नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी पर। और हाल ही में मैंने अष्टक वर्ग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तो उन वीडियोस को आप सबने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी अनुरोध किया कि मैं ये इसका कैरियर से संबंधित एक अष्टक वर्ग का वीडियो बनाओ हिंदी में। तो लीजिए, पेशकश है यहाँ पे हिंदी में अष्टक वर्ग का ये वीडियो। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और अगर आप मेरे से अपना अष्टक वर्ग का विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं अष्टक वर्ग का रीडिंग के लिए। और तो शुरू करते हैं अष्टक वर्ग देखना। बिना कुंडली देखे खाली अष्टक वर्ग देख के हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि ये आदमी क्या कर सकता है, इसके लिए क्या अच्छा हो सकता है कैरियर में, ठीक है। और बाकी तो हमको पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, दशाएं देखनी पड़ेगी, और उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कब ये क्या करेगा। लेकिन आज मैं आपको प्रिंसिपल समझा देता हूँ हिंदी में कि कैसे हम देखें कि क्या कर सकता है आदमी और क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने कैरियर, अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी में ज़्यादा खुश रह सकता है वो। तो वो बहुत ज़रूरी है देखना। तो शुरू करते हैं आइए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लगन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लगन है आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। तो ये जो घर है, ये लगन आप सबको पता है, और यहाँ पे नौ नौ लिखा हुआ है, अर्थात ये धनु राशि का है, ये धनु लग्न का कुंडली है, ठीक है। तो धनु राशि जो पहले घर में आई है तो धनु लगन हो गया। उसके बाद ये जो अष्टक वर्ग का जो टेबल है ये देख रहा है आप, इसमें ये ग्रह लिखे इधर, और ये जो जितने अंक यहाँ पे है वो दिख रहा है, ये घर घर में कौन कितना अंक दे रहा है। तो जब भी हम लगन बोलेंगे तो आप क्या करिए कीजिए कि यहाँ पे जो साइन है देखिए, तो यहाँ पे नौ लिखा हुआ है, तो आप इधर एक में मत जाइए, ये गलती मत कीजिए, सीधा नौ में जाइए, ठीक है। तो ये जो एक है ये एरीज साइन जो है ना, मेष राशि वो वाला है, जो कि ये कुंडली में पांचवा घर है, और ये कुंडली में लगन जो है नौवा है, जो कि धनु राशि है, ठीक है। तो सीधा धनु में जाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 26 पॉइंट है। तो ऐसा बहुत भ्रांतियां हैं अष्टक वर्ग के बारे में कि 28 से नीचे होगा तो घर बर्बाद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि 28 से अच्छा है तो स्वर्ग जैसा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लगन में क्या हो रहा है, उसके बाद हम कैरियर के जो घर है उस पर जाएंगे, क्योंकि लगन जो है आदमी की बुद्धि है। तो आदमी की बुद्धि कैसी है वो हमें देखना है। बुद्धि का अर्थात ये अर्थ ये नहीं कि आप अंग्रेजी या ना भूगोल या जो गणित है ये सब में कितने पारंगत है, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि का अर्थ ये है कि आप सोचते कैसे, आप किस तरफ सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, वो बुद्धि है। और एक आध्यात्मिक स्तर पे आपका कितना आपका रुझान है किन चीज़ों पे, तो ये हम लगन से देख सकते हैं। तो कैरियर देखने के लिए भी हमें हर एक चीज़ की तरह पहले लगन को देखना चाहिए। तो हम लगन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं धनु राशि है, तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य जो है चार चार अंक दे रहा है, फिर चंद्रमा तीन, ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं लगन में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस आदमी को पैसा कमाने में कितना इंटरेस्ट है, या धन या जो भी कह लीजिए। तो वो देखने के लिए हमको देखना है कि दूसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवें घर का जो स्वामी है, मैं रिपीट करता हूँ, दूसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवां, 2, 6, 10, 11 के जो स्वामी है वो लोग क्या क्या इस लगन को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, या किस हद तक कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे दूसरे घर में, जो जो ये 10 लिखा है, तो ये मकर राशि हो गया। तो मकर राशि का स्वामी जो है शनि है,
उसके बाद हमको ये छठा घर जो वृषभ राशि उसका जो स्वामी और शुक्र है, तो शनि को देखना, शुक्र को देखना, फिर दसवां घर बुध, बुध जिसका स्वामी है क्योंकि ये कन्या राशि यहाँ है नंबर 6, और फिर 11वां घर फिर से शुक्र आ गया क्योंकि ये भी तुला राशि जो शुक्र जिसका स्वामी है। तो हमें देखना है शनि, फिर शुक्र, फिर बुध। तो ये 3 ग्रहों को हमें देखना है कि इनका कितना प्रभाव है इनके लगन पे। तो ये हमें बताएगा कि ये कि कितना चाहता है कि पैसा कमाए, या नाम, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, या पद प्रतिष्ठा कितना कमाना चाहता है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा हमने बताया था बुध, शुक्र और शनि, तो बुध क्या बोला है, बुध यहाँ पे 4 अंक दे रहा है जो कि बहुत अच्छा है, फिर शुक्र जो है 3 अंक दे रहा है, फिर शनि जो है 4 अंक दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाकी जो ग्रह है वो भी तकरीबन 4, 3, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे अंक दे रहा है, लेकिन ये जो शनि है शनि 4 अंक दे रहा है। और शनि जब भी 4 अंक देता है वो बहुत प्रभावशाली घर होता है क्योंकि शनि के पास सबसे कम बिंदु होते हैं, और शनि जहाँ पे भी 3, 4, 3 तो फिर भी नहीं कहूँगा मैं, 4 अंक दे देता है, तो वो घर बहुत मायने रखता है शनि के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो शनि 5 ही दे रहा है सबसे ज़्यादा, ये उनके 10वें घर में, ठीक है, जो कन्या राशि है नंबर 6, यहाँ पे शनि 5 पॉइंट ही दे रहा है, तो यहाँ पे 4 देना ये बहुत जरूर बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। तो अभी देखिए जो छठा और 11वां घर का स्वामी शुक्र वो जो है 3 पॉइंट दे रहा है, मतलब इसको पैसा वैसा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और 10वां घर जो इज्जत नाम शोहरत का है वो बुध का है, बुध 4 अंक दे रहा है, तो वो भी ठीक सा है, मतलब इसको कोई ऐसा पागलपन नहीं है कि दिन रात वो खाली पैसे के पीछे भागेगा, या कह लीजिए कि नाम इज्जत शोहरत के पीछे भागता रहेगा, ऐसा आदमी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद शनि जो है दूसरे घर का स्वामी है, ठीक है, और तीसरे घर का, तो मतलब कि शनि जो है ये दूसरा घर जो है वो भी धन का है, लेकिन वो संचित धन का है, तो मतलब ये आदमी जो है ये सोचता है कि मैं जितना भी धन कमाऊँ उसको बचा लूँ, तो ये बचत में इसका बहुत फोकस रहता है हमेशा से ही। तो यहाँ पे बुध का जो 4 अंक है और सूर्य और शनि का जो 4 अंक है इसको आप कृपया एक साथ मत समझे, ए सेम ना समझे, क्योंकि शनि के पास सबसे कम अंक होते हैं पूरे अष्टक वर्ग में। तो शनि अगर 4 दे रहा है और गुरु अगर 5 या 6 भी दे रहा है, तो उसमें से शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि शनि अपने से 4 अंक दे रहा है। तो यहाँ पे दूसरे घर का जो प्रभाव है काफ़ी प्रभावशाली है ये हम देखते हैं, क्योंकि शनि का 4 अंक यहाँ आ रहा है लगन में, तो इसका ये आदमी का जो बुद्धि है ये कैसा है कि भाई जहाँ से भी जितना कमाते हो ठीक है, लेकिन पैसा बचा लो। और अभी देखिए छठा घर जो है शुक्र का है, 7वां घर बुध का है, तो छठा घर नौकरी का है, 7वां घर व्यवसाय का है, तो इसको क्या करना पसंद है। तो देखिए आप बुध जो है 4 पॉइंट दे रहा है और शुक्र जो 3 पॉइंट दे रहा है, तो मतलब इसको आप पूछेंगे तो इसको व्यवसाय करने का ज़्यादा मन है क्योंकि सप्तमेश जो है इसको ज़्यादा पॉइंट दे रहा है, ठीक है, छठे घर के स्वामी से। तो अगर आप इसको पूछेंगे कि भाई तुझे क्या करना है, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे तो बिजनेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया, तो अभी हमको पता है कि ये बिजनेस ओरिएंटेड आदमी है और ये बचत में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, 7वां घर और दूसरा घर ये बहुत मायने रखता है, ये दो घर इसके लिए। तो अभी शनि तीसरे घर का भी स्वामी है क्योंकि कुंभ राशि तीसरे घर में आता है, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि इसको काफ़ी छोटी यात्राएं करती रहनी पड़े अपने व्यवसाय में, इसको शायद ऐसा व्यवसाय पसंद नहीं हो कि ना एक जगह बैठ के बस दुकान में बैठे रहो बस, इसको वैसे वैसा व्यवसाय पसंद नहीं होगा इसको, क्योंकि इसका तीसरे घर का स्वामी जो है ये भी बहुत लगन को बहुत प्रभावित कर रहा है, तो इसको ये पसंद होगा कि मैं घूमता रहूं यहाँ से वहाँ ना। तो अभी आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें ये इस आदमी को बताना है ताकि ये आदमी अपने ज़िंदगी से खुश रहे। तो अगर आप इसको बता देंगे एक दुकान खोल के बैठ जाओ अपने जगह में, तो ये खुश नहीं रहेगा क्योंकि तीसरे घर का स्वामी बहुत प्रभावशाली है इस कुंडली में।
तो अभी हम जाते हैं धन राशि या कैरियर के जो चार प्रमुख घर है, जो कि दूसरा घर है, फिर छठा, फिर दसवां, ग्यारहवां घर। तो अभी हम जाते हैं दूसरे घर पे, तो मकर राशि है नंबर 10। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी बुध का 5 नंबर आ रहा है इसमें, और जो आपका चंद्रमा है वो 5 अंक दे रहा है इसको, तो फिर शनि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं दे रहा है, और गुरु भी उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे इस घर में। तो अभी देखिए, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा जो उनका अष्टमेश है, उसके बाद बुध जो उनका सप्तमेश है और दशमेश है, तो जब भी दूसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें घर के स्वामी एक दूसरे घरों को अपने अपने नंबर देते हैं ज़्यादा, तो वो पैसे के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे बुध जो है दशमेश होके वो 5 अंक दे रहा है, तो बहुत शुभ है ये। और इसका अर्थ ये है कि उसका जो संचित धन होगा ना, जो बचाएगा, वो अल्टीमेटली सेविंग्स जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या शेयर पे, जो भी कह लीजिए आप, उसमें से एक बहुत उसका एक बड़ा हिस्सा उसके नाम, इज्जत, शोहरत से आएगा। मतलब कि ये आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास एक छोटी सी जॉब होगी और उसके पास बहुत पैसा आएगा। मतलब इसका क्या है कि दसवां घर जो आपका नाम, नाम इज्जत का है, तो आपका नाम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसको पैसा उतना उसका ज़्यादा बचेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ बुध का एक एक पॉइंट होता, तो ऐसा हो सकता था कि शायद उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसका नाम इज्जत वैसा ही रहे ना, उसकी नाम शोहरत बढ़े ना, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग का होता है ना, कोई उनको जानता नहीं है बट पैसा बहुत है, और कुछ लोग का उल्टा होता है कि पूरी दुनिया जानती है लेकिन पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, तो ये आदमी का ऐसा है कि जितना लोग ज़्यादा जानेंगे और पैसा भी उतना ज़्यादा मिलेगा इसको। और उसके बाद चंद्रमा जो है अष्टमेश है अभी, तो अष्टमेश जब भी ज़्यादा पॉइंट देगा किसी भी घर को, तो वहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप जिसको अंग्रेजी में अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं ना, जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो, तो कुछ समस्याएं आ सकती है कि वो एक दिशा में जाना चाहे लेकिन फिर उसको उल्टा पड़ जाए, वो फिर उसको नया रास्ता लेना पड़े, रिवर्सल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसा हो सकता है। और इसके बाद हमें ये भी देखना है कि छठा घर का स्वामी क्या कह रहा है। शुक्र जो है वो यहाँ 4 अंक दे रहा है, और बुध जो है यहाँ पे फिर से 5 अंक दे रहा है, जैसा हमने देखा दशमेश है। तो छठे और सातवें घर का स्वामी में से बुध ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो संचित धन होगा वो भी व्यवसाय से ज़्यादा आएगा, नौकरी के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद हम छठे घर पे जाते हैं, जो कि वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि नंबर 2 है। तो यहाँ पे जाते देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुरु और चंद्र जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 पॉइंट आ रहा है गुरु का, और चंद्रमा का भी 7 7 पॉइंट आ रहा है, बाकी सारे घरों का, सारे ग्रहों का एकदम सेम आ रहा है सबका, चार 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 ऐसा ऐसा आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे 34 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो फिर से यहाँ चंद्रमा जो अष्टमेश है, इसका काफ़ी प्रभाव है इस घर में, छठे घर में। तो हमें ये कहना चाहिए इसको कि भाई अगर तुम व्यवसाय करोगे, सॉरी व्यवसाय नहीं, अगर तुम नौकरी करोगे, क्योंकि छठा घर जो है नौकरी का होता है, तो कुछ समस्या तुमको ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे दे रहा है। तो व्यवसाय करना ज़्यादा ठीक ठीक रहेगा इसके लिए, क्योंकि नौकरी उतना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से, तो एटलीस्ट। तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो सातवां घर है, जो मिथुन राशि है, उस पे चंद्रमा कितना पॉइंट दे रहा है, जो अष्टमेश, यहाँ पे 5 ही पॉइंट दे रहा है और यहाँ 7 दे रहा है, तो मतलब कि फिर से व्यवसाय करने में इसको तकलीफें आएंगी, लेकिन नौकरी में ज़्यादा तकलीफें आएंगी। ठीक है, और इसके बाद आप मंगल को भी देख सकते हैं, जो 12वें घर का स्वामी है। ठीक है, तो 12वें घर का स्वामी भी नुकसान बताता है, तो 12वें घर का स्वामी भी देखिए, सब सातवें घर में 2 पॉइंट दे रहा है और छठे घर में 4 पॉइंट दे रहा है, तो ये भी शुभ नहीं है। ठीक है,
तो इसका तो दोनों साइड से मतलब ये व्यवसाय उसके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। और इसके बाद आप फिर गुरु को देखिए, गुरु के पास सबसे ज़्यादा अंक होते हैं, तो गुरु के जो अंक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसके नंबर। तो गुरु 7 पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, और गुरु जो है लग्नेश है, और गुरु लग्नेश है, उसके बाद गुरु चतुर्थेश भी है, क्योंकि चौथा घर ये गुरु जिसका स्वामी है, क्योंकि मीन राशि यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ उसको बोल सकती है कि बेटा तुम व्यवसाय करने से अच्छा है तुम नौकरी करो, क्योंकि तीसरे घर में जो गुरु है, सॉरी 7वें घर में जो मिथुन राशि है, उस पर गुरु कम अंक दे रहा है, या 6 दे रहा है या 7 दे रहा है। तो उसकी माँ उसको बोलेगी कि बेटा तुम ये व्यवसाय वगैरह मत करो, तुम बेटर है तुम जॉब ही करो ना, ऐसा उसकी माँ बोल सकती है। और इसके अलावा उसके पिता क्या कह रहा है, तो हम सूर्य नारायण पे जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है 9वें घर का स्वामी है ना, ये सिंह राशि यहाँ पे है, तो हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य क्या कह रहा है, देखिए सूर्य ये जो 6ठा घर है वृषभ राशि, उसमें 4 अंक दे रहा है, और मिथुन राशि पे 3 अंक। तो उनके पिता भी उनके माँ जैसे ही बोल रहे हो, तो उनकी माँ जैसे यहाँ पे 1 अंक ज़्यादा दे रही है, और उनके पिता भी यहाँ 1 अंक ज़्यादा दे रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि माता पिता बोलेंगे कि व्यवसाय मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम नौकरी करो, ठीक है। तो उसके बाद हमको ये देखना है कि 7वां घर में क्या हो रहा है, जो स्पेसिफिकली व्यवसाय का है, तो वहाँ पे हम चीज़ें बता सकते हैं कि किस टाइप का व्यवसाय इसको करना चाहिए। तो मिथुन राशि की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे गुरु 6 पॉइंट दे रहा है, और चंद्रमा जो फिर से 5 पॉइंट दे रहा है, जैसा हमने देखा। तो मतलब कि जैसा चंद्रमा जल संबंधित चीज़ें होती है, तो जल संबंधित बिजनेस वो कर सकता है ना, जैसा जैसे ड्रिंक्स बेचना, या मतलब सात्विक लेवल की चीज़ें जो होती है ना, ये शराब वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसा कोई जूस बेच सकता है या दूध बेच सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है वो। और गुरु है चतुर्थ चतुर्थ चौथे घर का स्वामी लग्नेश भी है, तो ऐसा हो सकता है कि इसको पढ़ाई वगैरह करवा सके, टीचर विचर बन सके, चौथा घर जो पढ़ाई भी दिखाता है, फिर रियल इस्टेट बिजनेस भी कर सकता है वो, क्योंकि चौथा घर रियल इस्टेट का भी होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी कर सकता है, वैसा बिजनेस कर सकता ही है। इसके बाद हम 10वें घर में जाते हैं, तो 10वें घर में क्या हो रहा है, 10वें घर में आपका कन्या राशि है, तो कन्या राशि नंबर 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ग्रह है जो, 3 नहीं 4 ग्रह है जो 6 पॉइंट दे रहा है। तो सूर्य दे रहा है, मंगल दे रहा है, फिर बुध दे रहा है, और फिर शुक्र दे रहा है। तो शुक्र का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो आइए अभी 10वें घर पे चलते हैं। तो यहाँ पे कन्या राशि जो है, ये यहाँ पे सूर्य, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र। तो अचानक शुक्र बहुत प्रबल हो गया यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अभी बुध जो है, बुध और शुक्र दोनों प्रबल हो गए, तो बुध जो है 6ठे 7वें घर का स्वामी है जो व्यवसाय बताता है, और शुक्र 6ठे घर का स्वामी जो नौकरी बताता है। तो मतलब कि इसका दोनों जगह से नाम इज्जत शोहरत आ सकता है, जो 10वां घर है। तो अगर ये पूछे कि मुझे नाम इज्जत शोहरत कहाँ से आएगा, व्यवसाय से कि नौकरी से, तो हम बोल सकते हैं दोनों में से कोई भी करो, दोनों में से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद से आप देखिए कि सूर्य जो है नवमेश है, तो नवमेश जो 10वें घर को काफ़ी अंग दे रहा है, तो ये बहुत शुभ है, तो इनका पिता का बहुत योगदान रहेगा। तो ऐसा हो सकता है पिता का ज्ञान, पिताजी के ज्ञान के वजह से इनको बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हो, इनकी नाम इज्जत शोहरत बहुत बड़े आगे जाके ना, ऐसा हो सकता है। और मंगल जो है, मंगल पंचमेश है और 12वें घर का स्वामी है, तो ये बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, और ये अभी फिलहाल अब्रॉड में है, जर्मनी में है मेरे साथ। तो ये देख रहा है जैसे ही 12वां घर 10वें घर को अंग दे रहा है, तो ये अब्रॉड आ गए ना। और इसके बाद 5वां घर का स्वामी भी है मंगल, तो मंगल यहाँ पे
एक दुस्थान का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है। तो मंगल अच्छी चीजें भी देगा और नुकसान भी देगा, क्योंकि 12वां घर भी आ गया ना। लेकिन 5वां घर का स्वामी है, तो जो पढ़ाई, एजुकेशन, मास्टर्स वगैरह बहुत अच्छे से किया इन्होंने यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि 12वां घर का स्वामी अगर ज़्यादा अंक दे रहा है तो वो आदमी जो है फॉरेन जाने का ट्राई कर सकता है, और अगर चांस मिले तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। तो अभी वो आ गए फॉरेन और बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे, अभी नौकरी भी कर रहे हैं। और 9वां घर भी लंबी दूरी की यात्रा है बताता है, तो सूर्य भी काफी अंग दे रहा है यहाँ पे। तो 9वां 12वां का संबंध भी बनता है, तो हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा करे या बाहर जाके मास्टर्स करे ना। तो यहाँ पे देखिए, 9वां और 5वां जो आपका दोनों त्रिकोण के स्वामी जो पढ़ाई बताता है, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। जो चंद्रमा और सॉरी जो सूर्य और मंगल पंचमेश नवमेश और 12वें घर का स्वामी, तो इसके वजह से पढ़ाई करने ये बाहर आए, जर्मनी आए, और फिर अभी नौकरी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 9वां घर जो है वो गाइड का भी हो सकता है, तो ये अभी पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी एग्जैक्टली नहीं कर रहे, थोड़ा नौकरी जैसा काम है उनका, लेकिन पीएचडी से रिलेटेड काम है, तो उनका ऐसा ही काम रहेगा। क्योंकि 9वां घर जो है वो पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, तो वो जब 10वें घर में काफ़ी अंक देता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमेशा ही आप पढ़ाई करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी अपने व्यवसाय के लिए भी। उसके बाद शुक्र भी यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स दे रहा है, तो शुक्र 11वें घर का स्वामी होके 10वें घर को दे रहा है, तो मतलब व्यवसाय से बहुत 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 अधिक पैसा आएगा इनका। 11वां घर जो है पूरा इनकम बताता है, ठीक है, तो इनकम के लिए बहुत सही है। उसके बाद 11वें घर पे जाते तो हम फिर से यहाँ देखते हैं कि शुक्र और बुध जो है यहाँ पे काफी अंक दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, 10वें घर में भी दोनों 6-6 अंक दे रहे हैं, 11वें में भी 6-6 अंक दे रहे हैं, तो ये व्यवसाय भी कर सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं। खैर, फ्यूचर में ये अभी बाद में जाके व्यवसाय करेंगे, और अभी थोड़ा पैसा कमा रहे ताकि थोड़ा बचत उनका हो जाए। और इसके बाद हम ये यहाँ से ये हम जान सकते हैं कि कौन सा उसके लिए बेटर होगा, व्यवसाय करना या नौकरी करना। तो दोनों दोनों ठीक है इनके लिए, ऐसा कोई समस्या नहीं है। खैर, लेकिन क्योंकि इनके लगन पे जो इनका धनु है, यहाँ पे जो है बुध का थोड़ा अंक ज़्यादा है, 4 और शुक्र का 3 है, तो अगर आप इसको पूछेंगे क्या करने का मन है, तो ये अपने से बोलेंगे स्वेच्छा से मुझे नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे व्यवसाय में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। खैर, और करेंगे भी व्यवसाय ही आगे जाके। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आदमी कर सकता है कि जिसके वजह से इसको सक्सेस मिल सकता है, उपलब्धियाँ बढ़ सकती है इस आदमी की कैरियर फ्रंट में ना, और उसके अनुसार हम इस व्यक्ति को चीज़ें करने के लिए सजेस्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ये आगे जाएगा अपने कैरियर में। तो बस यही बताना था मुझे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा इसको, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिसको अष्टक वर्ग के बारे में जानना है हिंदी में। और अगर आप मेरे से अपना अष्टक वर्ग का विश्लेषण चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं अष्टक वर्ग रीडिंग के लिए। और इसके अलावा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, नमस्ते।